नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ उसका पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम आपको अपनी तरफ से कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, ट्रेड रिकमेंडेशन, कोई कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो या गेट रिच क्विक स्कीम्स में पार्टिसिपेशन के बारे में ना तो कोई बताना चाहते हैं, ना कभी बताएंगे और ना हमें ऐसी कोई चीज के बारे में बताए। सजेशन आप में अपने खरीदने, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस के लिए आपको सिर्फ अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। वही इस दुनिया का सबसे समझदार एक एलिजिबल आदमी है, सर्टिफाइड आदमी है, जो करेक्ट एडवाइस आपको दे सकता है। मैं और मेरे जैसे लोग जो मार्केट में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनका आप यूज कर सकते हैं अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे चलते हैं। हमारे चैनल से आपको कभी भी किसी तरह के कोई कोर्सेज, सब्सक्रिप्शंस, मेंबरशिप्स, किताबें, वेबिनार, सेमिनार, थर्ड पार्टी लिंक्स, इस तरह की कभी भी कोई चीज नहीं मिलेगी। हम आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को कभी भी किसी भी तरह से ना तो इंटरफेयर करना चाहते हैं ना इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। हम समझते हैं सब चीजें बाजार में अवेलेबल हैं। अपने रेशनल माइंड का, अपने सेंसिबल माइंड का यूज करें और जो आपकी जरूरत की चीज हो उसको बाजार से जाकर के खरीदें, ना कि यूट्यूब या किसी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के, किसी की बातों में आकर के उसे इन्फ्लुएंस होकर के, तो जीवन में कभी भी कोई चीज ना खरीदें। डिस्क्लेमर हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, रूल हमारा वही, हम शाम के समय मार्केट के अंदर आते हैं, कुछ अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। तो आज फिर हाजिर है, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। पर इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, मैं आपको मुद्दा या फ्लो बता देता हूं कि आज का डिस्कशन कैसे कैसे रहेगा, ताकि उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। पहले 5-7-10 मिनट हम अपनी तरफ से बेकार की बात, जैसा हमने कल शुरू करा, बिना सिर पैर की बात जिसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा, जो सीरियसली टाइम वेस्ट होगा, पहले हम वो करना चाहते हैं वही करेंगे। उसके बाद अगले 10 मिनट हम एनालाइज करेंगे मार्केट को कि आज मार्केट में बड़े बड़े चारों इंडेक्सेस के अंदर में कहां पर क्या कोई अपॉर्चुनिटी थी, जहां पर हमको छोटा मोटा तुक्का लगा सकते थे। साथ साथ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा क्या करके क्या कर सकते थे जिससे हम अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पाए। लास्ट के 10 मिनट के अंदर भी कोशिश होगी इस चीज का अनुमान लगाने की कि आगे आने वाले दिन में बाजार हमको कैसा दिख रहा है। साथ साथ हम छोटा मोटा कोई अपने का अपना टेक्निकल स्किल डेवलप करने की कोशिश करेंगे। बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहला सेशन, पहले 10 मिनट जो बिल्कुल आपके वेस्ट होंगे उसके अंदर शुरुआत करते हैं। मेरे बहुत सारे भाइयों का, चाहे रिटेल ट्रेडर हो, बिगनर हो, फ्रेशर हो, इंटरमीडिएट प्रो लेवल पर हो, उनके जहन के अंदर में ऐसा कुछ होता है, यार ऐसा कब कोई दिन आएगा कि मैं ट्रेडिंग को, स्टॉक मार्केट के, फाइनेंशियल मार्केट के, ट्रेडिंग के काम को अपना फुल टाइम करियर अपॉर्चुनिटी बना लूंगा, और ये जो मैं सर दर्द वाली नौकरी कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सुबह जाता हूँ, रात आता हूँ और खज्जल हो रहा हूँ जीवन में, बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इस समस्या से कब बाहर आ पाऊंगा, कब मैं स्टॉक मार्केट के अंदर में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा, कब मैं नौकरी छोड़ पाऊंगा। मेरी समझ कहती है शायद हर किसी के मन में, चाहे कोई बिगनर है, चाहे कोई थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, चाहे स्टॉक मार्केट के काम में कोई आने के लिए इन्फ्लुएंस्ड है, उसके जहन में ये बात चलती है, यार अपने से ये नौकरी नहीं हो रही। मैंने लोगों को देखा, यार थोड़ा बहुत काम करते हैं, दो चार छोटे मोटे स्ट्रैटेजी सीख ली है और उस जुगाड़ जंतर से वो अपना घर परिवार चला लेते हैं, उनको नौकरी करने की जरूरत नहीं होती और घूमते फिरते रहते हैं। शुक्रवार को मार्केट क्लोज होती है, शुक्रवार को टिकट कटाते हैं, कभी गोवा जाते हैं, कभी ऋषिकेश, कभी मथुरा जाते हैं, कभी वैष्णो देवी जाते हैं, और सोमवार बाजार खुलने से पहले फिर बाजार में आकर के बैठ जाते हैं और फिर 5-7 हज़ार रुपये अपना रोज शाम को सुख शांति से छाप लेते हैं। 3:30 बजे के बाद तो उनका फोन भी नहीं मिलता, आराम से अपना चिल मारने पर फ्रेंड्स के साथ निकल जाते हैं। भाई काम तो कुछ ऐसा ही करना है, काश अब हम सबके जहन में ये चलता रहता है वो दिन मेरे जीवन में कब आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 1 साल के बाद आएगा, 3 महीने के बाद आएगा, और इस जद्दोजहद में ना हम फटाफट फटाफट ऐसी कोई स्ट्रैटेजी, ऐसा कोई स्किल डेवलप करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि जो हमारे हाथ में काम है, चाहे नौकरी है, चाहे बिजनेस है, चाहे हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो बाय डिफॉल्ट एक सेकेंडरी सीट ले लेता है, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है क्योंकि हम इन्फ्लुएंस हो गए हैं या होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के काम पे, जहां पर ऐसी पिक्चर प्रेजेंट करी गई है कि यहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा इजी मनी, फास्ट मनी, सिक्योर मनी सबसे ज्यादा इसी काम में बनती है और कहीं पर भी नहीं बनती। इससे रिलेटेड आपने 50,000 वीडियोज देख लिए होंगे, बहुत सारी किताबें पढ़ ली होंगी और आप अपना ओपिनियन फॉर्म करके भी बैठ गए होंगे कि या तो आप नौकरी वोकरी काम धंधा छोड़ करके स्टॉक मार्केट के काम में आ गए होंगे, या विचार कर रहे होंगे यार या नया साल आते ही, या नया क्वार्टर आते ही, या नया फाइनेंशियल आते ही, या मेरा बर्थडे आते ही मैं इस काम को शुरू कर दूंगा और अपनी नौकरी वोकरी का त्याग कर दूंगा। सब कुछ कर चुके हो तो 2-4 मिनट के लिए मेरी भी कहानी सुन लो कि मेरा इसके ऊपर आपको देने के लिए क्या सजेशन है। और वो सजेशन ये जो मैं खुद भी करता हूँ, बात वही है, मैं जीवन में जो खुद करता हूँ मैं वही बताना चाहता हूँ। अपनी तरफ से कोई आपको उल्लू फुल्लू का हवा में कोई ज्ञानबाजी दे करके ना आपका और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सजेशन नंबर 1,
जीवन में जो भी काम कर रहे हो और जो भी वहां से कुछ आप पैसा अर्न कर रहे हो, जो भगवान करे कि आप बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हो और बहुत ज्यादा अर्न करें, तो मेरा सजेशन नंबर एक है उस काम को बैक सीट पर मत आने देना। अननेसेसरी इसके इन्फ्लुएंस, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के इन्फ्लुएंस में आकर के इससे ज्यादा प्रभावित होकर के, इस इजी मनी से प्रभावित होकर के, जो स्किल आपके हाथ में ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो आपकी दाल रोटी का जुगाड़ बना रहा है, उसको हाथ से मत जाने देना। ये मेरा पहले नंबर का सजेशन है, इसको जरूर अपने जहन में रखना। क्यों? फिर आपका सवाल हो सकता है कि भाई साहब अगर वो नौकरी ना छोड़ें या अपना वो काम ना करें तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें, हम यहाँ पर पैसा कैसे कमाएं? तो यहाँ पर मेरा आपको एक सजेशन भी है और एक आगे एक अभी सजेशन है, और मे भी फ्यूचर के बारे में छोटी सी साथ में बात कर लेता हूँ। आप विश्वास जानिए कि पैसे कमाने के लिए सिर्फ आपको सुबह से शाम इंट्राडे ही करने की, ऐसा नहीं है कि जो इंट्राडे कर रहे हैं 9:30 से 3:30 तक पैसा वही बना रहे हैं। जो अपनी पोजीशंस को प्रॉपरली मैनेज करके, हेज करके, छोटा छोटा स्विंग भी कर रहे हैं ना, चाहे वो किसी बड़े इंडेक्स में ही क्यों ना हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी, मिड कैप, जो भी आपको अच्छा लगता है वो क्यों ना हो, अगर वो अपनी पोजीशंस को मैनेज करके अगर स्विंग, एक दिन दो दिन वाला भी स्विंग कर रहे हैं ना, या ऐसा स्विंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं कि जिनको स्क्रीन पर बैठ करके अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सब आंखें गड़ा करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अपने आप को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ट्रेड ले लिया छोड़ दिया टाइप, भी स्ट्रैटेजीज मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सिक्योर अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें पैसा सेफ भी रहता है, कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहता है, लॉस भी छोटा आता है, और आप अपने कैपिटल के हिसाब से अच्छा खासा धन उन स्ट्रैटेजीज में भी बना सकते हैं। इस बात पर अभी आप मेरा विश्वास कर लीजिए, फ्यूचर में जब हम उस लेवल पर पहुंचेंगे तो जो हम कर रहे हैं या करने की कोशिश करते हैं, हमने तो कसम खाई है कि जो हम कर रहे हैं और जो हमें आता है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। तो अननेसेसरी किसी के ट्रेडिंग P&L अकाउंट देख देख करके, उल्टे सीधे थंबनेल देख देख करके, लोगों की बातें सुन के, मैंने इतना छाप लिया, मैंने उतना छाप लिया, ये वो जो जो कई कई ऐसे थंबनेल आते होंगे ना, आते हैं कि रोज शाम को 5,000 छाप लो, व्हाट नॉट नॉनसेंस। मैं, चलो यार अब एक काम करो, लो आओ आओ, चलो ये लो, नहीं यार वो यूट्यूब के किसी का नाम आ जाएगा, वो नहीं करते, पर आप बात समझ लो कि जिस भी तरह से आप उल्टी सीधी चीजों से प्रभावित होकर के अपना काम धंधे का त्याग करके ये जो 6 घंटे की इंट्राडे के अंदर आना चाहते हो ना, मेरी समझ कहती है शांति, वेट करो, जो काम कर रहे हो उसको करते रहो, उससे वहां से भी तो लक्ष्मी माँ आपके पास आ ही रही है ना, चलते हुए पैसे को काहे बंद कर रहे हो भाई, ये गलती जीवन में मत करना, बहुत पछताओगे। जो पैसा आ रहा है ना, जिस काम से आ रहा है उसका मान सम्मान करो। यहाँ पर तो आपके मन में ऐसी लालच आ रहा है कि यार जो कर रहा हूं उससे बेहतर है स्टॉक मार्केट का काम, क्यों बेहतर है जी? कि मैंने YouTube के ऊपर 10-20 वीडियो देख लिए और यहाँ पर मैंने ये स्ट्रैटेजी लगा ली, ये मैंने मयंक का ये का दो सेटअप देख लिया, यार पैसा तो बनता हुआ नजर आ रहा है। पर भैया उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में, शांति रखो। अब आपका सवाल हो सकता है कि तो क्या सारी जिंदगी में नौकरी करते रहेंगे इसके अंदर, मतलब नौकरी के जंजाल से कभी जीवन में मुक्ति ना मिलेगी हमको? मिल जाएगी, जब आपको इतना आपका स्किल डेवलप हो जाएगा, आपके पास इतना पैसा बन जाएगा, आपकी कैपिटल इस लेवल तक तो ग्रो कर जाएगी कि फर्ज करो मेरे भैया, मैं आपको छोटा सा मैथमेटिक्स बताता हूँ, फर्ज कर लो आप आज एक 25,000 रुपए की तनख्वाह ले रहे हो, मान लो एक हाइपोथेटिकल फिगर पकड़ ली मैंने कि 25,000 रुपये महीने की आप तनख्वाह लेते हो जी, और आपको लगता है, इंसान को पता होता है कि वो जीवन के अंदर अगर 5-7-10 साल काम कर लेगा तो अपनी तनख्वाह का, भाई मान लूं कि हर साल दर साल डबल होते हुए चले जाओगे अपनी तनख्वाह में, कि आज 25,000 की तनख्वाह है, अगले साल 50,000 हो जाएगी, 1 लाख उसके 1 साल के बाद हो जाएगी, महीने की बात कर रहा हूं, कि आप हर साल अपनी तनख्वाह को डबल करते चले जाओगे, इतना इतने प्रभावशाली, इतने प्रतिभाशाली आप हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी 25,000 वाली तनख्वाह 2-3 साल में 2-3 लाख रुपए हो जाएगी मोटा मोटी। तो यहीं पर ये एक हाइपोथेटिकल फिगर समझ लो कि जब आपकी कैपिटल इतनी डेवलप हो जाए कि रोज शाम को आपको 10,000 रुपए आने लग जाए मोटा मोटा स्टॉक ट्रेडिंग के काम से, फाइनेंशियल मार्केट के काम से, आपको महीने का 2-2.5 लाख रुपए आने लग जाए सेफ से बिना चिंता फिक्र, और वो भी नौकरी करते के साथ साथ आने लग जाए, किसी से पूछने बताने की जरूरत नहीं है, बॉस को व्हाट्सएप भी डाल देना कि हो गई नौकरी, कल से नहीं आना है करके। आप मेरे ख्याल से मेरा भाव समझ गए, नौकरी काम धंधा नहीं छोड़ना है, अननेसेसरी में किसी उल्लू फुल्लू बातों में, अननेसेसरी के किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, जो काम कर रहे हो, जो हाथ का स्किल है, जहां से लक्ष्मी माँ आपको प्राप्त हो रही है, उसको आराम से हाथ जोड़ के स्वीकार करो, अपने स्किल को डेवलप करो, सुबह से शाम नौकरी करो, हमारे जैसों की वीडियोस हैं रात को देखो, स्किल डेवलप करो, मार्केट को ऑब्जर्व करते चलो, 90 दिन तक ट्रेड मत करो, उसके अगले 90 दिन पेपर ट्रेड करो,
180 दिन की तपस्या पूरी करो, उसके बाद मार्केट में आओ, छोटी सी कैपिटल से शुरू करो, उसके बाद बताना कि आपको मेरी बात कैसी लगी। आज का बेकार का ज्ञान, फालतू की बात खत्म। कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना। अब शुरू करते हैं जी आज की मार्केट से। मार्केट में क्या था देखते हैं। इसको बंद करो, वो स्क्रीन, गूगल ट्रेडिंग व्यू लगा रखा है, ट्रेडिंग व्यू को क्लिक करेंगे और शुरू करेंगे आज के खेल के साथ। 10 मिनट लगाएंगे ये समझने की कोशिश करेंगे, बाजार के बंद होने के बाद ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि आज के बाद फ्यूचर में अगर हमको ऐसे पैटर्न सेम मिलते हैं, क्योंकि मार्केट पैटर्न बनाता हुआ चलेगा, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बनेंगे। एक आपको और बड़ी मजे की बात बताता हूं, अब बात करेंगे चार्ट से रिलेटेड, मतलब अब हम स्टॉक मार्केट के आज के आज बिजनेस की बात करेंगे। 10 मिनट वाली वेस्टेज वाली बात खत्म, अब हम सेंसिबल बात करेंगे, काम की बात जिसमें हम सबको इंटरेस्ट है। एक किताब का मैंने जिक्र किया, पिवट बॉस नाम की एक किताब है, पिछले किसी वीडियो में आपने शायद सुन लिया होगा, फ्रैंक ओका ने वो किताब लिखी है, बड़ी खूबसूरत किताब है भाई साहब। वो आपको ये बताती है कि मार्केट के अंदर जो डेली प्राइस एक्शन होता है ना, वो मोटा मोटा 6 तरह का प्राइस एक्शन है सिर्फ। ओनली 6 टाइप्स ऑफ प्राइस एक्शन हैपन्स इन द मार्केट। उसका हल्का फुल्का ऊपर नीचे वेरिएशन आता है, मतलब अगर आप वो 6 तरह के प्राइस एक्शन पैटर्न समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो मार्केट में आपको सरप्राइज करने के लिए कुछ है ही नहीं, सिंपल है मार्केट। तो ये भी हमारी कोशिश होगी कि समय के साथ साथ, जैसे हम आपको अपनी तरफ से रोज तुक्का तुक्का कह करके चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक्चुअली में आपको अपनी तरफ से डेली प्राइस एक्शन के शायद पैटर्न भी अपनी तरफ से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं नाम नहीं लेता, पर कोशिश मेरी वही होती है कि आप इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में धीरे धीरे चीजों को सीखते चले। और विश्वास जानिए, ये खेल टाइम जरूर ले लेगा थोड़ा सा, क्योंकि पैटर्न को दिमाग में रखना और फ्यूचर में उस पैटर्न के बेसिस के ऊपर ट्रेड करना। पर जितना ज्यादा आप चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, जितने ज्यादा मार्केट में आप रेगुलर रहेंगे, कॉन्टिन्यूटी में रहेंगे, उतना ज्यादा आपको जीवन में मजा आएगा। और 180 दिन की तपस्या के बाद आप चार्ट आपसे बातें करने लगेगा, चार्ट आपको बताने लगेगा कि हाँ यार, यहाँ यहाँ ये ऐसा ऐसा जोन बन रहा है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, यहाँ बाइंग प्रेशर है, ये सेलिंग प्रेशर टूटा मार्केट ऊपर जा सकती है, ये बाइंग प्रेशर टूटा मार्केट नीचे जा सकती है। चार्ट आपके साथ बातें करने लगेगा और साइमल्टेनियसली जब आपका और स्किल डेवलप हो जाएगा चार्ट रीडिंग के साथ साथ, रिस्क मैनेजमेंट का, स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस ट्रेल का, हेजिंग का, तो आप विश्वास जानिए कि आपको इस खेल में मजा आने लगेगा। अब देखते हैं चार्ट और बताने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट में ऐसा क्या था, क्या ऐसा कुछ खेल था जिसके बेसिस के ऊपर हम छोटा मोटा को तुक्का लगा सकते थे। आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे, चार्ट सुपर ट्रेंड्स और निफ्टी का चार्ट खुल गया। निफ्टी के चार्ट पर ही बात करते हैं सबसे पहले, इसको स्क्रीन को वाइड कर देंगे, इंडिकेटर सारे हाइड कर देंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे क्या था क्या नहीं था। आइए पहले एक बार तो हम सब कुछ हटाएंगे हटाएंगे जी। आइए ये है जी प्राइस एक्शन होगा। आइए अपन लोग बहुत तरीके हैं काम करने के। आइए चलिए सबसे पहले प्रीवियस डे हाई लो वाली स्ट्रेटजी से समझ करके चलते हैं कि वहां पर क्या तुक्का था। आइए देखते हैं मार्केट के ओपन होने से पहले हम दो तीन स्ट्रेटजी जो हमने आज तक आपको अपनी तरफ से सिखाई है, हम उन्हीं स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करेंगे। चलिए पहले प्रीवियस डे हाई लो पर बात करते हैं कि प्रीवियस डे हाई लो और 90 मिनट हाई लो पर कुछ था क्या। नहीं, मोटी लग रही है पर कोई बात नहीं, अच्छा है, थोड़ी मोटी मोटी रहेंगी, मेरे जैसे कोई नजर बेहतर आएगा जिनकी आंखें कमजोर हो गई हैं चार्ट देख देख कर भी। ये देखो जी भैया, मार्केट खुलने से पहले 9 बजे मैंने प्रीवियस डे का हाई लो लगा लिया, ओके वेरी फाइन। उसके बाद मैं जी आ गया अपने वही पुराने फॉर्मूले, गिरेवटे पुराने फॉर्मूले पे 45 मिनट्स पे। आओ देखो 45 मिनट्स के ऊपर मैंने 45 मिनट्स का हाई और लो लगा लिया, मैं सब कुछ भूल गया, मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर, मैं कुछ नहीं जानता दुनिया में। मुझको ये पता है कि जब पिछले दिन का हाई लो टूटता है और पहले 90 मिनट का हाई लो टूटता है, मतलब प्राइस जब चारों लाइनों के ऊपर निकल जाता है तो उसके ऊपर रहने के चांसेस हैं। मेरे ख्याल से आज फिर ये तुक्का काम कर गया, कर गया आपके सामने है, देख लीजिए ये पिछले दिन का हाई और लो है, ये पहले 90 मिनट का हाई और लो है और ये कैंडल ने इसको ब्रीच करा, तो यहां पर कहीं पर भी मार्केट में लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी छोटी मोटी सही, क्योंकि मार्केट ने पहले 45 मिनट ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड कवर कर लिया था। पहले तो भगवान की दया से गैप अप, गैप अप के बाद पहले 45 मिनट में उसने मैक्सिमम अपना रीजन कवर कर लिया और कवर करने के बाद बहुत थोड़ी देर वो अपना कुछ ना कुछ हल्का फुल्का दे करके बाजार में अपना आज का दम तोड़ दिया। तो मोटा मोटा अगर किसी ने पिछले दिन के हाई लो और आज के 90 मिनट के हाई लो को समझ करके ट्रेड पकड़ने की कोशिश की है, तो मार्केट ने अगेन सरप्राइज नहीं किया है। ट्रेड लिया नहीं लिया क्या किया वो बात की बातें हैं, मार्केट की डायरेक्शन को अगर हम पकड़ पाए ना, तो हम समझ लीजिए कि दुनिया के महानतम ट्रेडर्स की लाइन में आकर के खड़े हो गए। अगर मुझको आज 10:30-11 बजे के बाद ये पता है कि मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है, किसी कंडीशन में शॉर्ट नहीं करना है, क्यों शॉर्ट नहीं करना है, मार्केट अपने पिछले दिन के हाई लो के ऊपर चल रहा है पहला, दूसरा मार्केट अपने
आज के 90 मिनट के हाई लो के ऊपर चल रहा है। ये है हमारी एक सेटअप है प्राइस एक्शन सेटअप, वो प्राइस एक्शन सेटअप आज फिर काम कर गया वापस। मैं बार बार नहीं कहूंगा मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ये सेटअप्स मैंने नहीं बनाए हैं, ये सब चीजें मार्केट में पहले अवेलेबल है, पढ़ता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, और आप विश्वास जानिए मैंने कभी अपने बारे में नहीं कहा, पर हाँ आज पता नहीं बातों में बात आ गई। तो चीज अगर आप मेरे से पूछें कि मुझे किसी एक चीज का शौक है तो मेरी हॉबी क्या है, तो मेरी हॉबी पढ़ना है, किताबों में, ट्रेडिंग की किताबों में, इसमें उसमें, हमेशा किसी ना किसी चीज के अंदर मैं पढ़ने में लगा रहता हूँ। तो ये भी कारण है कि इतना ज्यादा मैटर को पढ़ता रहता हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ, तो ये सब चीजें जो है वो निकल निकल के सामने आती रहती हैं। कोशिश करें मौका लगे तो आप भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी कुछ चीज पढ़ा करें। दूसरा भैया हटाओ ये सब कुछ, नहीं कहा नहीं भाई, ये 45 मिनट्स वाला पिछले दिन का हाई लो वाला अपने को नहीं समझ आता, प्राइस एक्शन अपने को इंट्रा डे टाइप कुछ बताओ जी, 15 मिनट पर आओगी, 5 मिनट पर भी देखेंगे, पर पहले 15 मिनट पर देखते हैं। 15 मिनट पर हमने क्या बोलने की कोशिश की, ये देखिए 15 मिनट पर हमने कहा कि एक ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी है। अब ये स्ट्रैटेजी तो क्रॉसओवर की स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, पर क्रॉसओवर में कुछ नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। अगर मैं सिर्फ क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी की बात करूं कि भैया क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी पे कुछ है, तो क्रॉसओवर के साथ जो हमने फ्रैक्टल लगा करके बात करी, क्रॉसओवर पर हम लॉन्ग का ट्रेड या शॉर्ट का ट्रेड तब लेते 15 मिनट पे, लॉन्ग का ट्रेड तब लेते जब ये क्रॉसओवर यहां पर हो जाता और प्राइस ऊपर निकलता, या हम शॉर्ट का ट्रेड तब लेते जब प्राइस यहां पर जाकर के नीचे आ जाता या ऊपर चला जाता। मोटा मोटा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे हम क्रॉसओवर पर ट्रेड तब लेते जब हमें क्रॉसओवर मिलता, क्रॉसओवर तो हुआ ही नहीं, तो शांति है। उसके बाद हमने एक चीज पर और बात करी साथ में, पहले इसी को ही कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, दो तीन सेटअप जो हैं उनको समझ लेते हैं, दूसरा सेटअप पर आए जी। अब ये वाला सेटअप हमको यहां पर ये तुक्का दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसको जरा तसल्ली ध्यान से देखिए बाबा। 5 मिनट के ऊपर क्रॉसओवर मिलता है, पर वापस 5 मिनट के जो क्रॉसओवर्स हैं टाइम पीरियड बहुत छोटा है, विपसॉज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब क्या होगा, ठंडे दिमाग से सुनिए, पीछे देखते हैं, अभी तो ये बहुत अच्छा अच्छा क्रॉसओवर, बड़े मोटे मोटे क्रॉसओवर चल रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, यहां तक तो बहुत अच्छा है, ऐसी चीजें दिखा करके तो कोई भी किसी को प्रभावित कर सकता है। पर इन चीजों का क्या कि यहां पर शॉर्ट दिखाया फिर लॉन्ग कर दिया फिर शॉर्ट कर दिया, यहां पर जो छोटा मोटा लॉस आएगा उससे हमको कौन बचाएगा? ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो विपसॉज है ना, कंसोलिडेशन है या ऊपर नीचे ट्रेड, जो जो जल्दी जल्दी ट्रेंड हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि टाइम पीरियड बहुत छोटा है। 15 मिनट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 मिनट पे तो अभी सिग्नल आराम से शांति से बैठो, शॉर्ट का सिग्नल चल रहा है। पर अगर कोई ज्यादा एडवेंचरस है, उसको 5 मिनट के ऊपर ही पंगे लेकर के देखने हैं, तो 5 मिनट के ऊपर अगर मैं स्ट्रेटेजी पे बात करूं तो 5 मिनट के ऊपर यहां पर एक छोटा सा तुक्का लगाया जा सकता था, वो तुक्का ये देखिए क्या कर सकते थे। इस जगह पर आकर के मार्केट ने क्रॉसओवर दे दिया, एक्सपेंड कर देता हूं, चीज को समझने में आसानी आएगी। यहां पर क्रॉसओवर मिल गया, यहां पर क्रॉसओवर होने के बाद स्ट्रेटेजी कहती है कि जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा उसके नीचे वाला फ्रैक्टल, जो बुनियादी स्ट्रैटेजी है, यहां पर आप लॉन्ग करके यहां पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते थे, शांति से बैठ सकते थे। और उसके बाद अभी हमने आपको स्टॉप लॉस ट्रेल पर वीडियो नहीं दिया है, अपडेट एक बातों में बात निकली है तो बता देता हूँ, स्टॉप लॉस ट्रेल, टारगेट कैप्चर, एक पूरा एंटायर सिस्टम आपको कल शाम को मेरी समझ कहती है 6 या 7 बजे एक वीडियो मिल जाएगा, आप समय निकालें उसको देखें, अपने स्किल को डेवलप करें। और मेरा ऐसा विश्वास है कि डेफिनेटली अगर आप ये दो तीन चीजें, जो दो तीन सेटअप्स हमने आपको बताने की कोशिश कर रही है करें, अगर आप इनको एब्जॉर्ब करते हैं तो आप 70-80%, मैं आपको लिख करके देता हूं सर, 70%, 50% तो आप मान ही लीजिए कि 50% ट्रेडर से आप आगे निकल जाएंगे। अगर जो ये दो तीन सिस्टम मैंने आपको जो बताने की कोशिश की है, इची-मोकू सिस्टम को अगर आपने तसल्ली से समझ लिया, जो सिस्टम मैं आपको कल देने वाला हूँ वो तसल्ली से समझ लिया, और आपने साथ में ये 5 और 200 के क्रॉसओवर को लगा करके मार्केट की डायरेक्शन को समझ लिया, तो आप एंटायर इंडिया में 50% ट्रेडर्स, 50% रिटेलर्स से आगे आकर के खड़े हो जाएंगे, इतना मेरा कॉन्फिडेंस है। क्यों है? क्योंकि कई सालों साल लॉस देने के बाद, अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज इंडिकेटर ट्राई करने के बाद और अपना बेड़ा गर्क करने के बाद जब मैंने इन चीजों को सीखा समझा तो मेरे जीवन में बदलाव आया, तो वो बदलाव मैं आपको भी देना चाहता हूं। आइए, क्रॉसओवर मिल गया, स्टॉप लॉस लगाइए, आराम से बैठ जाइए, तुक्का चल गया, वो वाला प्रीवियस डे हाई लो, 90 मिनट हाई लो, तुक्का चल गया, 5 मिनट के ऊपर तुक्का चल गया, 15 मिनट पे नहीं चला। अगर एक आदमी कहता है मैं 15 मिनट के ऊपर ही ट्रेड करूंगा तो 15 मिनट के ऊपर ही तुक्का नहीं चला, नो प्रॉब्लम, नहीं चला तो नहीं चला, दैट इज ऑल राइट। आप 5 मिनट, और मैं खुद कहता हूं कि इंट्रा डे के अंदर में 5 मिनट पर जाना अवॉइड करें,
टाइम पीरियड बहुत छोटा है, विप्सॉस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, अपने आप को बचा करके रखें, शांति से रहें। तीसरी चीज हमने एक और चीज सीखने समझने की कोशिश की हमने साथ में जी, एक बार अभी फ्रैक्टल को हटा करके ना एक बार को जरा हम एक क्लाउड लगा लेते हैं। आइए अब हमने क्लाउड लगा लिया जी, अब यहां पर देखिए क्या हुआ, मैं आपको चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं पर पूरी की पूरी एंटायर पिक्चर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ी तसल्ली से सुनते जाइए। अब मैं क्लाउड लगाने के बाद पहले मैं 15 मिनट पर एनालाइज करता हूं, देखिए हुआ क्या, मार्केट गैप अप खुला, जैसा कल गैप डाउन खुला था और हम पहली कैंडल के बाद कॉन्फिडेंट थे कि बाजार नीचे जा सकता है, मार्केट तो आज भी गैप अप खुला आपके सामने, इतना दूर जाकर के गैप अप खुला, पहली 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज हुई, और पहली 15 मिनट की कैंडल के क्लोज होने के बाद आपने ये ऑब्जर्व करा कि जो उसका इचिमोकू है, अब हम बात कर रहे हैं उसके लैगिंग स्पैन इंडिकेटर की, जब पहली 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही थी ना तो उसका इचिमोकू ऑलरेडी इस जगह पर आ चुका था, तो मतलब कैंडल में और लैगिंग स्पैन के बीच में कहीं कोई कंजेशन नहीं है, कहीं कोई कैंडल नहीं है, कहीं कोई विक नहीं है, तो यहां पर क्या एक लॉन्ग का ट्रेड बनता था इस कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस लगा करके। मैं आपको इसकी जस्टिफिकेशन देता हूं, जैसे हम कल के दिन में कॉन्फिडेंट थे, चार्ट को देखिए, पिछले दिन के चार्ट से आप एनालाइज कर लेंगे पिक्चर को, ये पहली कैंडल है, ये पहली कैंडल है कल के दिन की, मार्केट में नीचे खुलती है, प्रीवियस डे के लो के नीचे खुलती है, लो के यहां खुलती है, लैगिंग स्पैन नीचे है, मार्केट नीचे जाएगी, हम कॉन्फिडेंट थे। आज भी वही हुआ कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं और क्लोजिंग के आसपास जो उसका लैगिंग स्पैन है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस फ्री जोन में आ चुका है, तो क्या आज भी मैं यहां पर इतना कॉन्फिडेंट था कि यहां से बाजार ऊपर जा सकता है, तो उसका जवाब है मैं नहीं था, मैं ये वाला ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो ऊपर आप क्लाउड देख रहे हैं ना, इस क्लाउड का मतलब है सपोर्ट, प्राइस इस क्लाउड में घुसते के साथ ही बार बार उसको नीचे धकेला जाएगा। देखिए बने हुए चार्ट पे बात करना बहुत आसान है, अभी फिलहाल मैं मान लेता हूं कि ये सुबह 9:30 बजे है, 9:30 बजे है, ये कैंडल है, ये उसका क्लोजिंग प्राइस के आसपास हूं, ये उसका इचिमोकू है, जोन क्लियर है, तो क्या मैं यहां पर लॉन्ग करके नीचे एक स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा सकता हूं? मुझको नहीं पता ना कि आगे क्या होने वाला है, वो तो डे खत्म होने के बाद दिख रहा है जी कि प्राइस ऊपर भाग गया, पर जब मैं यहां पर हूं तो मैं यहां पर लॉन्ग नहीं करूंगा। मैं क्यों लॉन्ग नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर ये सारा का सारा जो आप क्लाउड देख रहे हैं ना, हालांकि इस समय तो चार्ट बना हुआ है पर क्लाउड तो वैसे भी एडवांस चलता है, तो ये जो आप ऊपर क्लाउड देख रहे हैं ना, ये क्लाउड एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऊपर ये सारा सेलिंग प्रेशर है, ये सब सेलर्स हैं जिन्होंने कल परसों पिछले दिनों में माल बेच रखा है, ये सारा सेलिंग प्रेशर है, ये रेजिस्टेंस का जोन है, एंड एट द सेम टाइम मुझे फ्यूचर क्लाउड कहीं पर भी हरे रंग का और इंक्लिनेशन ऊपर की तरफ दिख ही नहीं रहा, तो मैं कॉन्फिडेंट हुई नहीं, तो 15 मिनट के ऊपर मैं इंट्राडे निफ्टी लॉन्ग करने के फेवर में नहीं था। 5 मिनट के ऊपर अगर मैं स्कैल्प की बात करूं, जैसा मैंने पहले कहा, तो 5 मिनट के ऊपर तो भाई साहब खेल ही खेल है, अगर और छोटे टाइम पे काम करना है तो पहला क्रॉसओवर, दूसरा मार्केट अपने सपोर्ट से इतना ऊपर चल रहा है, दूसरा मुझको क्रॉसओवर मिल रहा है, तो इसके आसपास मैं कहीं पर भी अपना छोटा, और तीसरा लैगिंग स्पैन जो है वो रेजिस्टेंस फ्री जोन में है क्रॉसओवर के पास, आगे वाला फ्यूचर क्लाउड हरे रंग का है और हरे रंग के साथ साथ लेवल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहीं ऊपर की तरफ है, तो 5 मिनट स्कैल्पिंग टाइप तुक्का लगाने के हिसाब से आज का ओके दिन, 45 मिनट के ऊपर प्रीवियस डे हाई लो और 90 मिनट के ब्रेकआउट के साथ ट्रेड करने के लिए आज का ओके दिन, पर 15 मिनट के ऊपर जो पैटर्न सामने दिख रहे थे ना, नॉट ओके। आपको कितनी बात समझ आई, कितनी बात समझ नहीं आई, कमेंट्स में बताइएगा, अगर मेरे को मैं आपके जवाब देने लायक हुआ, अगर मुझे कुछ ऐसा पता हुआ जो मैं आपको बता सकता हूं तो मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपन लोग रेगुलरली डेली आकर के कुछ ना कुछ आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो कोई चिंता नहीं है, आप अपने कमेंट्स में डाल दीजिए, आप संडे को लाइव ट्रेडिंग वाले सेशन में आ जाइएगा, आपका मन करता है तो कल की वीडियो के बाद कुछ भी डाल दीजिए, और कोई जरूरत नहीं है आपको अपना सवाल पूछने के लिए उसी उसी वीडियो के अंदर में आपको अपना सवाल पूछना है जिससे रिलेटेड आपका सवाल है, कहीं पर भी डाल दीजिए सवाल अपना, किसी जगह पर भी, क्योंकि मेरे को कमेंट्स एक ही जगह पर मिलते हैं सारे के सारे, तो मैं कमेंट देख करके आपको जवाब दे दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। आई होप कि मैं निफ्टी के ऊपर 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर अपनी बात समझा पाया। अब मैं 1 मिनट और लगा करके निफ्टी के ऊपर अपने ट्रेंड पर और बात कर लेता हूं कि मेरे को ट्रेंड क्या दिख रहा है। ठीक है जी, हटाइए सब कुछ एक बार के लिए, फिर दोबारा देखते हैं, ये निफ्टी है, अब हम डे ट्रेंड पर बात करते हैं, इचिमोकू क्लाउड से बात करेंगे। देखिए प्राइस वापस, अब मैं डे टाइम फ्रेम पर बात कर रहा हूं, प्राइस वापस रिट्रेस कर रहा है, पर मैं डे टाइम फ्रेम के ऊपर अभी भी लॉन्ग नहीं हूं, मुझे लगता है कि डे टाइम फ्रेम के ऊपर मैं शॉर्ट लॉन्ग को फंसाया, जैसे यहां पर अगर सच सच बताइएगा
कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले दिनों में नेकेड पुट खरीद रखी थी और अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करी थी इस उम्मीद में कि अब लखपति और करोड़पति बन के मानोगे, लिखो जरा एक बार कमेंट्स में। और शर्माओ मत और हेजिटेट मत करो और घबराओ मत। और आज मार्केट ने उल्टा चक्कर चला करके सबके बर्तन बिकवा दिए। एक बार जरा जो जो मेरे भाई पिछले दिनों में नेकेड पुट्स लेकर के गए हुए हो इस उम्मीद में कि बाजार नीचे और लूट लो सारी दुनिया को, और आज जो मार्केट उल्टी खुली और क्या मन का हाल था, एक बार जरा कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताना भाइयों मेरे को जरा। और घबराना मत, जितना ज्यादा और जितना जल्दी सच को स्वीकार करोगे ना उतना ही जल्दी जीवन में आगे। गलती मानो फटाफट, सच को स्वीकार करो और इमीडिएट बेसिस पे करेक्टिव एक्शन लो। कसम खाओ कि ऐसे उल्टे सीधे नेकेड ऑप्शंस के ट्रेड नहीं लेने हैं जीवन में। देखो मार्केट सरप्राइज कर रहा है ना, आराम से आप लोगों को नीचे की तरफ दिखा रहा है, कहीं कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं, और एकदम से गैप अप और गैप अप के बाद मार्केट ऊपर ही ऊपर। तो जितने लोगों ने नेकेड पुट खरीद रखी है ना पिछले हफ्ते में, जरा कमेंट में बताओ। वन डे के ऊपर इचिमोकू, मेरी तरफ मेरी समझ कहती है अभी कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, शांति रखो, अभी कहीं पर कुछ भी लॉन्ग नहीं है। मेरी समझ ये कहती है कि जैसे इन्होंने पहले शॉर्ट्स को ट्रैप करा, वैसा हो सकता है कि अब ये वापस अब यहां पर लॉन्ग करा करके लॉन्ग को ट्रैप करने की कोशिश करें। इस इंफॉर्मेशन को याद रखना, फ्यूचर में देखेंगे क्या होता है। दूसरे नंबर के इंडिकेटर से चेक करते हैं जी, आओ फ्रैक्टल एलिगेटर क्या कहता है। इचिमोकू को हाइड करते हैं, अब फ्रैक्टल एलिगेटर से समझते हैं कि फ्रैक्टल एलिगेटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये। शांति रखो, फ्रैक्टल एलिगेटर से भी मेरी समझ कहती है कि कहीं पर कोई ऐसी आफत वाली सिचुएशन मेरे को सामने नजर नहीं आ रही। मेरी तरफ से डे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट शॉर्ट है। हाँ हम काम ये कर सकते हैं कि और हम वीकली टाइम फ्रेम पर चेक कर सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट शॉर्ट है भैया। और एक बार जरा इचिमोकू से पूछ लो, इचिमोकू वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट आराम से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, शांति से आने दो। नीचे सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन से बहुत दूर है। इचिमोकू के हिसाब से चलें तो मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लॉन्ग है, पर हाँ अगर मैं फ्रैक्टल के हिसाब से चलूं जो और एडवांस इंडिकेटर है, तो वो मुझे क्लियर कह रहा है कि जब ये फ्रैक्टल नीचे का कट चुका है, फ्रैक्टल कट चुका है, तो मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर शॉर्ट हो चुकी है। बाकी देखते हैं कि मार्केट अब आपको डे टाइम फ्रेम के ऊपर कैसे ट्रैप करने की कोशिश करती है। मोटा मोटा निफ्टी के ऊपर मेरी बात कंप्लीट हो गई, फटाफट से बैंक निफ्टी पे बात करेंगे और ये बाकी दो छोटे इंडेक्सेस पर बात अपन लोग नहीं करेंगे। उसको आप ये सेम पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर लगा करके देख लीजिएगा। सबसे पहले आप ये देख लो कि बैंक निफ्टी का वीकली ट्रेंड शॉर्ट है, एलिगेटर के हिसाब से शॉर्ट है, और इचिमोकू के हिसाब से अभी लॉन्ग है, नीचे अपने सपोर्ट की तरफ जा रहा है। पर अगर मैं एलिगेटर के बेसिस पर बात करूं तो एलिगेटर के बेसिस के ऊपर ये एलिगेटर पे ये फ्रैक्टल कटा हुआ है, मार्केट नीचे ट्रेड कर रही है। मेरी समझ कहती है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी शॉर्ट है। दूसरा डे टाइम पर देख लेते हैं, डे टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे को कहीं कोई परेशानी नहीं दिख रही। मेरे को लग रहा है ये ट्रैप करने की या रीट्रेस, ये मार्केट एक बार को वापस ऊपर जा रहा है। शायद हो सकता है कि जो बायर्स को किसी तरीके से ऐसा ऐसा सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मार्केट में रिकवरी आ गई है, सब ठीक हो गया है, कोई चिंता फिक्र नहीं है, खरीदो खरीदो, तो मुझको ये ट्रैप लगता है। मेरी समझ कहती है कि अभी कोई क्लियर सिग्नल नहीं है, अभी शांति रखो। मुझको कोई खास इसके अंदर में, मार्केट ने डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया वाला मोमेंटम दिखा दिया, पर मेरी समझ कहती है शायद बायर ट्रैप हो सकता है। हो सकता है लोगों को ऊपर दिखा करके कई लोगों को आज नेकेड कॉल परचेस करवाई हो, अब एक आध दो दिन आपको कॉल के अंदर में नजारा दिखाएंगे, मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, और उसके बाद फिर आपको करेक्टिव एक्शन दिखाएंगे नीचे की तरफ। ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखना, ये बहुत काम आएगी फ्यूचर में। और हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत हो, और इस गलत होने के भरपूर चांसेस हैं, क्योंकि कोई भी जो चार्ट रीडर है मेरे जैसा, जो चार्ट के बारे में ढीले भर की अकल रखता है, उसके गलत होने की संभावना 100% होती है। ये बात याद रखना, ये सिर्फ तुक्का ही है, इट इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, नथिंग एल्स। अब आ जाओ भैया फटाफट से, ये हमने बातें कर ली अपने आगे आने वाले अनुमान पे। अब हम 1 मिनट के लिए समझते हैं कि मार्केट में कहां पर क्या था आज करने के लिए। सबसे पहले हम उसी स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, पिछले दिन का हाई लो लगा लेंगे और 45 मिनट का हाई लो लगा करके देखेंगे कि क्या कहीं कोई छोटा मोटा तुक्का था, कहीं पर हम कुछ कर सकते थे। तो एक बार इसको भी देख लो यार, फटाफट से इसको देख लेते हैं कि आज मार्केट में अगर कोई प्राइस एक्शन बेस किसी ने उस स्ट्रेटेजी पर काम करा है तो उसके लिए वहां पर क्या था। और अगर पहले तो यहां देख लो, ये है भैया प्राइस तीसरी कैंडल पर ऊपर निकलता है, वो प्रीवियस डे के हाई को भी तोड़ देता है और आज के 90 मिनट के भी हाई को तोड़ देता है, और हाई होने के बाद वो थोड़ा सा रिट्रेस करता है, पर इवेंचुअली वो ऊपर की तरफ निकलता है। तो अगर किसी ने इस स्ट्रेटेजी को डिसिप्लिन से फॉलो करा है, प्रीवियस डे हाई लो, आज का 90 मिनट का हाई लो, तो उसने बैंक निफ्टी में प्रॉफिट कमाया हो या ना कमाया हो मुझको नहीं पता, पर हाँ वो कम से कम गलत ट्रेड लेने से बचा, उसने मार्केट को शॉर्ट नहीं किया, शॉर्ट करना नहीं बनता था, आज लॉन्ग का दिन था। 45 मिनट वाला सेटअप क्लियर है,
पिछले दिन का हाई लो लगाओ, आज के 90 मिनट का हाई लो लगाओ, हाई टूटे तो हाई के ऊपर लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचो और डे लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो, बात खत्म। अब ये वाला सेटअप हटाओ और अब आ जाते हैं हम अपने, ये वाला भी हटाओ इचिनोकु वाला, एक बार ये फ्रैक्टल वाले पर आते हैं। अब 5 मिनट के ऊपर देखते हैं कि 5 मिनट के ऊपर मार्केट में कुछ था। सबसे पहले अपनी क्रॉसओवर स्ट्रेटजी में ये देखो जी, ये क्रॉसओवर स्ट्रेटजी क्या कहती है, आओ क्रॉसओवर स्ट्रेटजी कहती है, इसको मैं हटा दूं नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। क्रॉसओवर स्ट्रेटजी कहती है भैया यहां पर एक लॉन्ग आ गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 5 मिनट का टाइम फ्रेम स्कैल्पर टाइप ही समझें, अपन लोग इंट्राडे के हिसाब से 15 मिनट से नीचे ना जाएं, और 5 मिनट के ऊपर क्रॉसओवर आया, क्रॉसओवर ठीक ठाक सा चल गया और क्रॉसओवर ने कहीं कोई अभी तक परेशानी नहीं दी। पर पांच, फिर बोलता हूं पीछे दिखा करके, कि 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो आपको छोटा छोटा बीच में कभी ऐसा वाला विप्सॉस भी दिखाएगा, आप इस चीज के लिए तैयार रहिए, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत छोटा होता है, इसको जल्दी ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। पर हाँ, अगर किसी ने 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रेटजी पर काम किया तो उसका तुक्का चल गया भाई साहब। ये बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई, 15 मिनट पर आ जाओ, 15 मिनट पर कहीं पर कुछ नहीं है, शांति रखो। अब उसके बाद हम 15 मिनट के ऊपर बात करेंगे, इसको हटाओ और अब हम लगाते हैं क्लाउड, और क्लाउड से समझने की कोशिश करते हैं कि 15 मिनट पर क्या हुआ। प्राइस एक्शन यहाँ पर आप दे दीजिए कि क्या हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज छोटी सी और दिखा देता हूँ, ये पहली कैंडल जो हमने अभी निफ्टी में बात करी, ये पहली पहली कैंडल क्लोज हुई, गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद जो पहली कैंडल क्लोज हुई उसने पिछले दिन के हाई को भी तोड़ दिया, और हमारा जो लैगिंग स्पैन था और हमारा जो पहले 15 मिनट का प्राइस था उसके बीच में कहीं कोई कंजेशन भी नहीं रह गया, मतलब मैदान साफ है, प्राइस ऊपर भागेगा, प्राइस डेफिनेटली ऊपर भागता और मैं कॉन्फिडेंटली यहां पर लॉन्ग का ट्रेड होता अगर मुझको ये ऊपर सेलिंग जोन नजर नहीं आ रहा होता तो। क्योंकि मुझको सुबह 9:30 बजे नहीं पता ना, मुझको सुबह 9:30 बजे नहीं पता कि बाजार ने कहां जाना है, मुझे ये जरूर पता है, ये देखिए मुझे ये जरूर पता है यहां पर कि 9:30 बजे ये हो रहा है कि प्राइस अपने पिछले दिन के हाई के ऊपर भी है और अपनी क्लोज में और लैगिंग स्पैन में कहीं कोई कंजेशन भी नहीं है। इसका मतलब यहां पर कोई विक नहीं है, कोई कैंडल नहीं बनी हुई। मेरा प्राइस एक्शन इतने सेटअप के हिसाब से कहता है कि मार्केट में लॉन्ग होगा, पर मुझे रोकता कहां पर है, रोकता है कि भाई ऊपर क्लाउड है और क्लाउड का मतलब होता है रेजिस्टेंस। जब तक प्राइस क्लाउड को ब्रीच नहीं करेगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा, ये मुझे मालूम है। फिर उसके साथ साथ जब मैं यहां पर हूं तो मुझे फ्यूचर क्लाउड भी हरा नजर नहीं आ रहा और लेवल ऑफ इंक्लिनेशन तो बहुत दूर रह गया। तो भैया 15 मिनट के ऊपर बैंक निफ्टी में नॉट हैपनिंग। मेरी समझ कहती है कि ये अपना वाला सेटअप जो है चलते ट्रेड के अंदर में वो मजा नहीं आया, क्योंकि ऊपर क्लाउड था, रेजिस्टेंस था, तो यहां पर अपने को कन्विक्शन नहीं आया, ट्रेड लेना नहीं बनता था। अगर मैं इसको 5 मिनट पर देखूं तो 5 मिनट पर मुझको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये देखो कितना बढ़िया वाला काम चल रहा है। ये दिखा रहा हूं सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए, क्रॉसओवर भी मिल गया, क्रॉसओवर के साथ साथ मुझको क्रॉसओवर में और लैगिंग स्पैन में कंजेशन भी नहीं है। मैं क्रॉसओवर के आसपास कहीं पर भी एक अपना लॉन्ग का ट्रेड बनाऊं और मार्केट के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दूं और आराम शांति से बैठ जाऊं। मैं यहां पर कहीं अगर लॉन्ग बनाऊंगा इस कैंडल के ऊपर, अगर मुझे धोखा मिलेगा, देखिए आपको एक छोटा सा फटाफट से एक चीज बता देता हूं, एक स्केल आपको दे देता हूं कि एक इंडिकेटर हटाना पड़ेगा मुझको, मैं कौन सा, मैं इचिमोकु हटा देता हूं क्योंकि इचिमोकु ने क्लियर सिग्नल दे दिया। फ्रैक्टल, फ्रैक्टल नहीं है नीचे। ऐसी कभी सिचुएशन अराइज हो और ऐसा आपको कभी दोबारा फ्यूचर में सेटअप मिले कि क्रॉसओवर आपको दिख जाए पर नीचे आपको कहीं और फ्रैक्टल बहुत ज्यादा दूर हो स्टॉप लॉस के लिए, तो आप डे के लो पर स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, फ्यूचर रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। नहीं तो चांसेस हैं कि जब आपको क्रॉसओवर्स मिलेंगे तो फ्रैक्टल कहीं नीचे मिलेगा, ऊपर की तरफ लॉन्ग का ट्रेड लेंगे तो नीचे लाल लाइन के आसपास उससे 2-4 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, पर जब स्टॉप लॉस इतना दूर हो तो डे के लो पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए और एक छोटा सा तुक्का खेल के देख लीजिए। ये सर मोटा मोटा मेरी तरफ से। अभी हमने दो काम साइमल्टेनियसली कर लिए कि हमने आज के प्राइस को एनालाइज भी कर लिया और साथ साथ हमने आगे आने वाले टाइम का तुक्का भी समझ लिया। एक मिनट और लगा लेते हैं बैंक निफ्टी के साथ डे टाइम फ्रेम पे, एक चीज मेरे को और देखनी है क्या है। अब इंडिकेटर मुझे हटाने पड़ेंगे सारे के सारे और एक ये लगाना पड़ेगा क्लाउड। ये देखिए प्राइस क्लाउड के नीचे है, यहां पर देखिए क्या करने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए प्राइस को क्लाउड के नीचे ले गए, ऊपर ले जाते हैं क्लाउड नीचे धक्का मार देता है, फिर ऊपर ले जाते हैं क्लाउड नीचे धक्का मारता है, फिर ऊपर ले जाते हैं क्लाउड से फिर रिजेक्शन आता है। तो ये आप समझ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने नीचे जाना है पर नीचे जाने के लिए उनके पास क्वांटिटी नहीं है, वो बेचे किसको, वो बेचते हैं हमारे आपके जैसे रिटेलर्स को जिनको वो ट्रैप करके लाते हैं, चारा डाल के लाते हैं, पहले बाजार को नीचे दिखाते हैं
फिर मार्केट में ऐसी न्यूज छोड़ते हैं कि जी सब सब ठीक हो गया, सब बढ़िया हो गया, हम मूर्खों की तरह से खरीदना शुरू करते हैं, हम खरीद रहे होते हैं और वो बेच रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। ये किया उन्होंने यहाँ, पहले बेच के नीचे लाए, डरा दिया, उसके बाद यहाँ पर ऐसी मार्केट में न्यूज दी कि बाजार में सब ठीक ठाक है, हम सब ने रिटेलर्स ने खरीदा, हमारे खरीदते के साथ उन्होंने फिर बेचा, फिर नीचे और नीचे लेकर के गए, फिर ऐसी न्यूज दिखाई बाजार में। यहां देखिए ना किस कितने प्यारे तरीके से ट्रैप कर दिया बंदों को, ये देखो इतना नीचे ले गए और एकदम से गैप अप के साथ दिखा दिया मार्केट में कि भैया सब ठीक सब ठीक, कोई परेशानी नहीं, सब खरीदो, सबने खरीदा, खरीदते के साथ ही उन्होंने जो माल बेचना था यहां बेचा और बाजार फिर नीचे, फिर ट्रैप करा, फिर नीचे लेकर के गए, फिर सबको दिखाया कि सब ठीक, फिर यहां पर झुला करके और फिर ये देख लो। तो आपको ये क्यों लगता है कि यहां पर ये जो आपको ऊपर ले जाने के लिए दिखा रहे हैं ये जेन्युइन अपस्विंग है, ये जेन्युइन बाजार में बाइंग है, या ये फिर एक ट्रैप है? इसको पता करने का हमारे पास क्या तरीका हो सकता है? इसको पता करने का तरीका ये मोटा मोटा हो सकता है कि हम अपने डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, शांति से रहेंगे। हमको दो काम कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से नेकेड ऑप्शन बाइंग अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आज अगर कल किसी ने इतनी भयंकर 2-3 दिन की गिरावट के साथ नेकेड पुट खरीदी है, जो मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे भाइयों ने, रिटेल भाइयों ने खरीदी है, और मुझको ये भी पता है कि उसमें से बहुत सारे भाई मेरे इस चैनल के ऊपर होंगे, और मुझको ये भी पता है कि वो शर्मो शर्मी में, हेजिटेशन में नहीं बताएंगे कि उन्होंने पुट में लॉस बुक करे हैं। और सुन लो, पुट में लॉस बुक करने के बाद आज उन्होंने नेकेड कॉल्स भी खरीदी हैं, ये भी सुन लो। मैं कह रहा हूं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई ऐसे भाई हैं जिन्होंने नेकेड कॉल्स खरीदी हैं, खरीदी है ना नेकेड कॉल्स। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 2-4 दिन बाजार को ऊपर लेकर के जाएंगे, आपके जैसे मेरे जैसे बहुत लोगों को लपेटेंगे, सबको आराम आराम से नेकेड कॉल खरीदवाएंगे और ऊपर से फिर वापस नीचे लेकर के आएंगे। इस पैटर्न को याद रखना। हो गया जी, पहले नंबर पर बेकार की बात, उसके बाद मार्केट को एनालाइज कर लिया, उसके बाद हमने आगे थोड़ा सा मार्केट में हमें आगे आने वाले दिनों का हाव भाव कैसा दिख रहा है वो पकड़ लिया। अब एक लास्ट चीज के आज हम आपको अपनी तरफ से आपका टेक्निकल एनालिसिस का स्किल डेवलप करने के बारे में क्या दे सकते हैं, क्या बता सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको शायद इंट्रोडक्शन के अंदर में भी थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दिया, और उस पर मैं आपको सिर्फ ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। फटाफट से बात कंप्लीट करता हूँ। आपने अपने अगर हाँ छोटी सी चीज के साथ बात शुरू करता हूँ, अगर आप अपने जीवन में एक बेहतरीन ट्रेडर बनना चाहते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर में, तो आपको एज अ बिजनेसमैन सोचना शुरू करना पड़ेगा। जब तक आप एज अ बिजनेसमैन सोचना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आपकी और मेरी और हम सब भाइयों की स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत सारे मेरे भाई होंगे जिनका अपना काम धंधा होगा, जिनकी अपनी दुकानें होंगी, या बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी होंगे जो कोई काम धंधा किसी के ऑफिस में नौकरी करते होंगे। सिर्फ मेरे को ये समझा दो कि जब रात को अपनी दुकान बढ़ाते हो, या शाम को जब आपका ऑफिस का चौकीदार गार्ड आपका बॉस शाम को ऑफिस बढ़ाता है, तो ताला तूला लगा करके आते हो या वैसे खुला छोड़ कर जाते हो? तो राम भरोसे लिखना जरा कमेंट्स में कैसे करके आते हो। मेरे ख्याल से वो बताना, बताओ जरा साथ में कि जो मेरे भाई हैं दुकानदार भाई हैं क्या करते हैं, रात को लाइटें लूटे जला करके शटर खोल करके बिल्कुल ओपन निमंत्रण दे करके घर जाते हो, या 5 बार चेक करते हो, ताले लगाते हो, तालों को उल्टा सीधा करके देखते हो, उसके बाद साथ में सीसीटीवी कैमरे और फायर एक्सटिंग्विशर और पता नहीं कौन कौन सी चीजें दुकान पर लगवा रखी हैं, क्या करते हो बताओ? वहां पर आप इतनी सिक्योरिटी, इतनी सब चीजों का ख्याल क्यों रखते हो? क्योंकि वहां पर आप एज अ बिजनेसमैन एक्ट रिएक्ट करते हो, आप वहां पर बिजनेसमैन के तरीके से सोचते हो। पर यहां पर जब आप स्टॉक मार्केट के काम में आते हो, तो आप, माफ कीजिएगा ये बीच में पता नहीं कौन सा है तो लिंक आ रहा है, 1 मिनट में मैं बात कंप्लीट करता हूँ, चार्ट का काम हो गया, अब आप बस 2 मिनट मेरी बात सुन लो, वीडियो कंक्लूड है उसके बाद। पर जब स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के काम के अंदर में आते हो आप, तो यहां पर आकर के क्या हाल होता है कि यहां पर हम खरीदते हैं नेकेड कॉल्स, नेकेड पुट्स खरीदते हैं, नेकेड कॉल्स खरीदते हैं। ये नेकेड पुट और नेकेड कॉल्स कुछ नहीं है, ये आप ये मान लो कि आपने स्टॉक खरीदा है, आपने पैसा लगाया, आपने स्टॉक खरीदा और उस स्टॉक को आपने अनइंश्योर्ड ओपन खुला छोड़ दिया चोरों के लिए। ये है सर समझने की बात कि आप जब तक स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल ट्रेडिंग के काम में, फाइनेंशियल मार्केट्स में, ट्रेड में, इन्वेस्टिंग में, पोजीशन में, स्विंग में, इंट्राडे में, जब तक आप एज अ बिजनेसमैन नहीं सोचोगे, जब तक आप अपने माल की रखवाली की जिम्मेदारी नहीं लोगे, तो कौन लेगा मेरे भाई?
सोच करके देखो, मैं कह रहा हूँ आप दुकानदार हो और अभी दुकान बढ़ाने का टाइम होगा ना, जरा मुझे बताना जरा एक बार मैसेज डाल करके कि रात को दुकान पे ताला तूला लगा करके आए हो या नहीं आए हो। और कई तो मेरे भाई ऐसे फैक्ट्री वाले भी होंगे, दुकानदार भी होंगे, जिन्होंने दुनिया जान के बीमे ले रखे होंगे। क्यों लिया बीमा? या किसी के पास स्कूटर मोटरसाइकिल होगी, उसका इंश्योरेंस क्यों कराया हुआ है बताओ मुझे? ऐसा क्यों नहीं करते कि रात को तुम्हारी 5 लाख रुपए की कार जो है वो रात के ऊपर, रात को अनइंश्योर्ड खड़ी है और उसका बीमा नहीं है और आपको रात को नींद आ जाती है? नहीं आती नींद, इसीलिए नहीं आती क्योंकि वहां पर हम एज अ बिजनेसमैन सोचते हैं कि भाई मेरा माल पड़ा हुआ है, मेरा माल चोरी हो सकता है, उसे आग लग सकती है, मेरा माल बर्बाद हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में मुझे कौन बचाएगा? वहां पर तो हम बीमा कंपनी के सिर पे चढ़ के बैठ जाते हैं लॉस आता है तो। और यहाँ पर हम अपने लाखों रुपए की ऑप्शंस को लेकर के अनइंश्योर्ड छोड़ करके बैठे हैं आराम भरोसे। ये विचार कीजिए, क्योंकि जब तक ये विचार आपके जहन में नहीं जाएगा तब तक आप एज अ बिजनेसमैन सोचना शुरू नहीं करेंगे, और जब तक आप एज अ बिजनेसमैन सोचना नहीं शुरू करेंगे ना, तब तक आप रिस्क मैनेजमेंट की, हेजिंग की, स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस, अहमियत को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते और कभी नहीं समझ सकते। आज का हो गया, जो मेरे मन के भाव थे, जो मैं अपने भाइयों को बात बताना चाहता था वो मैं बता पाया। आपको वीडियो कैसा लगा? आप कुछ लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कुछ कमेंट लिख देंगे तो मेरे लिए सर हो जाएगा। और हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद, हमेशा धन्यवाद, हर सांस के साथ धन्यवाद। जितनी बार बोलूं उतना कम है। जो दे दिया आपने, आपको सारी जिंदगी वापस नहीं कर सकता। जो पता है, जब तक जीवित हूं सब कुछ बता के मानूंगा। और एक कसम और खाए बैठा हूं कि जो मेरे भाई पैसा नहीं दे सकते, चलिए एक एक मिनट और लेता हूं, एक मन में बात आ गई, बर्दाश्त कर लीजिए बस एक एक आध दो मिनट और। यूट्यूब के ऊपर कोई चैनल अपना खोलो, यूट्यूब खोलो, फोन पर उसके ऊपर खोलो, स्टॉक मार्केट के हम हैं तो हमको स्टॉक मार्केट की वीडियो वगैरह आते रहते हैं। तो एक आया, किसी की एडवर्टाइजमेंट आई और वो सामने से खुद आकर के बताता है, एड है वो, सुनते जाओ। वो कहता है कि जी हमसे लोग पूछते हैं कि जब स्टॉक मार्केट में तुम इतना कमा रहे हो तो फिर सामने वालों से इतनी फीस क्यों लेते हो, उनको फ्री में क्यों नहीं कुछ सिखा देते? तो वो सामने से ये जवाब देता है कि जब तक हम कोई सामने फीस नहीं देता ना, तो उसको कंटेंट की या उसकी उसकी अहमियत का पता नहीं चलता। मैं अब क्या बोलूं इस बात को, मूर्खतापूर्ण बात है। सिर्फ यहाँ पर मेरा उस भाई से एक ही सवाल है, मेरे भाई ये बता दे कि मेरे जैसा आदमी, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे जैसा आदमी जिसने ताजा ताजा अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है, एक 20-25 हज़ार रुपए की मोटरसाइकिल है जो कभी चलती नहीं है, कभी चलती है, कभी पेट्रोल खत्म है, कभी कुछ है, उसको स्टॉक मार्केट के काम के अंदर में इच्छा है कुछ सीखने करने की, कुछ चीज को जानने की, तो मेरे भाई मुझे ये बता दे कि फिर मतलब फिर मैं तो तेरी क्लास में आके बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि तो तेरी फीस ही 1-1.25 लाख रुपए है, और 1-1.25 लाख रुपए के लिए तो पता नहीं अब तो मेरे पास घर पे भी कुछ नहीं है जिसको मैं बेचूं और बेच करके तेरी फीस पूरी करूं। तो मतलब क्या, मतलब मेरे पास मतलब ज्ञान इकट्ठा, या मतलब आप समझ रहे मेरा सवाल क्या? ये मेरा सवाल उस भाई से है कि मतलब क्या मेरे को ये मेरा हक ही खत्म हो गया कि मैं जीवन में अपना स्किल डेवलप नहीं कर सकता? मतलब मेरी इंटेंशन का पता मेरी जेब में पैसे से लगेगा? मेरे पास पैसा होगा तो मेरे पास हक होगा कि मैं कुछ चीज सीख पा रहा हूं या नहीं सीख पा रहा? ये सवाल है मेरा उस आदमी से, और यही मरते दम तक मेरे चैनल का इंटेंट है, मेरी कोशिश है कि कोई चिंता फिक्र नहीं है, पैसा है नहीं है किसी को नहीं देना, अपने लिए पैसा इकट्ठा करो, अपने खाते में पैसा डालो, चीजों को सीखो और उस पैसे को आगे बढ़ा करके आप अपने लाइफ के स्किल को डेवलप करो और उस पैसे को मल्टीप्लाई करो। किसी को फालतू में ना टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग और स्ट्रेटजी के नाम पर पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। और भगवान ने सब ठीक ठाक रखा और अगर अपना चेहरा चल गया और कुछ लोगों तक अगर अपनी बात पहुंच गई ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है ये सब, ये ज्ञान सबको वैसे ही फ्री में मिल जाने वाला है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, सब ठीक ठाक है, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ठीक ठाक रहा, फिर मिलेंगे। और कल शनिवार को 6-7 बजे तो कोशिश होगी सर कि वो जो तीसरा सेटअप है, इंपॉर्टेंट सेटअप जिसके ऊपर हम बात करते रहते हैं, वो एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस ट्रेल, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब वो सब आपके पास एक डिटेल वीडियो आने वाला है, समय निकाल करके उसको देखिए। और वाणी को विश्राम देता हूँ, वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, बाय।